नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का पाल मिस्ट्री ज्ञान चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि हाथों पर कहां देखे कि करोड़पति कैसे बनते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। और इसके पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, और ये विषय अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर ले। आइए अपने हाथ के तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहले हमारी ये जीवन रेखा। जीवन रेखा हमारे जीने के एक एक प्रोस्पेक्ट के बारे में बताती है। इसी प्रकार से हमारी ये मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा हमारे मन के विचारों में हम कितना आध्यात्मिक, कितना अंदर की बातें सोचते हैं उसके बारे में बताती है। और इसी प्रकार से हमारी हृदय रेखा। हृदय रेखा हमारे प्रेम व्यवहार के बारे में बताती है, हम एक दूसरे के अटैचमेंट कितना है उसके बारे में बताती है। आज हमने बात की है कि हाथों पर कैसे देखें कि हम करोड़पति बनेंगे। अमीर तो बनना सभी जानते हैं, चाहते भी हैं, लेकिन अगर आपके हाथ में कुछ ऐसा शुभ चिन्ह बनता है तो जीवन में देखें आप अवश्य करोड़पति बनेंगे। सबसे पहले अगर हम हाथ के कलर को देखें, हाथ के कलर को देखें, ये पिंक कलर का होना चाहिए, गुलाबी। कहते ना, एक राजयोग को बताता है। और इसी प्रकार से हमारे हाथ के जो पर्वत हैं हमारी पावर को बताते हैं, हमारी ताकत को बताते हैं। अगर आपके हाथ में पावर है आपके पर्वतों के ऊपर तो ये आपके पावर को बढ़ा देते हैं। कहते हैं कि जीवन में अगर ताकत होगी तभी आप लड़ पाएंगे। और जैसे कि बुद्ध का पर्वत हो आपके बोलने की कला को बताएगा, अगर ये सूरज का पर्वत मजबूत हो तो आपके नेम फेम स्टेटस को बताता है। शनि का पर्वत मीडियम का होना चाहिए, अगर शनि का पर्वत मीडियम का होता है तो आपके काम करने की क्रिया को बताता है। इसी प्रकार से गुरु का पर्वत मजबूत हो तो ये आपको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर देता है, प्रशासनिक सेवा देता है। शुक्र का पर्वत अगर स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है, तो ऐसे लोगों को जीवन में जीने की लग्जरियस लाइफ देता है। और इसी प्रकार से ये चंद्र का जो पर्वत है मन के गहराइयों के बारे में बताता है। सबसे पहले हमने बात करोड़पति की है। हाथ में जब भी देखें हाथ को, ये तो गुलाबी कलर हो और दूसरा हाथ में पर्वतों का उभार हो, ताकत को बताता है। इसी प्रकार से एक सुंदर, एक धागे की तरह जैसे कि फेट लाइन निकलती हो, ये फेट लाइन धागे की तरह, इसमें एक चमक होती है। जब भी आपके कामकाज की दशा को अच्छी स्थिति में लाता है तो ये हाथों में जो रेखा है जिसको हम फेट लाइन बोलते हैं, इसमें एक चमक सी पैदा होती है। आपकी प्रोग्रेस की, आपकी तरक्की की, उन चीजों को व्यक्त कर देती है कि इंसान के लाइफ में अचानक से धन की स्थिति मजबूत होने वाली है। अगर ये रेखा, ये लाइन जो हमारी फेट लाइन है, ये कमजोर होती है तब जब इसको राहु रेखाएं काटती है, या रेखाएं मोटी हो जाएं तो हमारे जो काम की स्थिति है वो कमजोर को बताता है। और इसी प्रकार से जब भी हम जीवन में तरक्की में आगे बढ़ेंगे, हमारी जीवन रेखा से ऊर्ध्वमुखी रेखाएं निकलती हो, अब ये जीवन से ऊर्ध्वमुखी रेखाएं, ये जीवन से ऊर्ध्वमुखी रेखाएं हमेशा आपके प्रोग्रेस को, आपके तरक्की को, आपके स्टेटस को बताती है। अगर आपके हाथ में देखें ऐसी रेखाएं हैं तो जीवन में ऐसे लोग थोड़े थोड़े समय बाद निरंतर एक प्रयास से एक सफलता की तरफ बढ़ते हुए। और इसी प्रकार से यह हमारा जो मून का माउंट है ये भी मजबूत होना चाहिए,
अगर मून के माउंट के ऊपर एक यहां पर एक इस तरह से एक तरह का सीढ़ी बन जाए, कहते ना सीढ़ी जीवन के कदम को आगे बढ़ाने में काफी सहयोग करती है। अगर आप देखें ये जो एक तरह का यहां पर ये सीढ़ी बनती हो, इसमें चार खाने बनते हो, ऐसे लोग करोड़पति अवश्य बनते हैं। इस जीवन की उस ऊंचाइयों को छूने का प्रयास करती है, जीवन के उस दिशा को संकेत देती है, बढ़ने का संकेत दिखाती है, और ऐसे ऐसे लोग जीवन में अपने उस जिंदगी के मकसद की तरफ कामयाब होते हैं और जीवन में करोड़पति बनते हैं। ये संकेत है आपके हाथ में, तो जीवन में आपको करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।